गाइस, इट्स शिवांगी. वेलकम टू माय चैनल. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया एंड डिफरेंट लेके आती हूँ. अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, मतलब आपका माइंड क्या बोलूँ अब मैं. एनीवे, मूविंग ऑन विद दिस वीडियो. सो ना, मैं इतनी ज्यादा बोर हो चुकी थी अपनी लाइफ से, अपनी हर चीज से एंड वीडियोस से, कि मैंने सोचा क्यों ना मैं बोरियत से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊं. एंड टुडे आई एम गोना बी यूजिंग क्ले. आप लोग रिलेट तो कर पा रहे हो ना मुझसे, मतलब मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ. आई एम नॉट रियली श्योर आप में से कितने लोग मेरे ही इंटेंसिटी के साथ बोर होते हो. नहीं होते तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हूँ. सो यस, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु गेट बोर्ड वे टू इजिली. कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप जल्दी बोर होते हो कि नहीं. एनीवे, आई एम नॉट रियली श्योर आज क्ले से क्या क्या बनाने वाली हूँ, कितनी चीजें बनाने वाली हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. आई एम श्योर आप भी बहुत ज्यादा हो गए. सो इसी एक्साइटमेंट को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना मत भूलना, बिकॉज यही चीजें तो मैटर करती हैं यार. ओके, सो आई थिंक नाउ वी शुड रियली स्टार्ट. बाय द वे, दिस टाइम आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट ऑन माई नेल्स एज वेल. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसा लग रहा है ये. Finally start करते अपने first piece के साथ. So here I'm using Fevicryl molded clay. Of course ये video sponsored नहीं है, but I wish ये होती. Moving on, मैं जल्दी से दोनों components को अच्छे से mix कर दूंगी and उसका एक गोला बना दूंगी. And गोला बनाने के बाद मैं उसको अच्छे से बेल दूंगी, just like हम रोटी बेलते हैं ना, but यहाँ पे मैं marker का use करूंगी. And once that is done, मैं यहाँ पे use कर रही हूँ. क्या कर रही हो? कटर से कट कर रही हूँ. अब मैं आपको जल्दी से अपना प्लान बता देती हूँ. सो यहाँ पे मेरा प्लान है रेनबो बनाने का. एंड वो कोई नॉर्मल रेनबो नहीं होने वाला, वो होने वाला है पेंडेंट रेनबो. बढ़िया सी शेप देने के बाद अब मैं इसमें अटैच कर रही हूँ एक सेफ्टी पिन, बिकॉज सेफ्टी पिन विल एक्ट एज अ हुक एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. क्ले ड्राई होने के बाद मैं उस पर पेंट अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी. एंड बाय द वे, हियर आई एम यूजिंग एक्रेलिक पेंट. यार मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ना 3D चीज़ें बनाने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे कभी नॉर्मल पेंटिंग में आ ही नहीं सकता. आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड यस, वंस माई पेंटिंग इज़ डन, अब मैं वार्निश का एक कोट अप्लाई करूँगी सो दैट मेरा पेंडेंट कभी ख़राब ना हो. काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये एंड मैं डेफिनेटली इसे पहनने भी वाली हूँ. मुझे फर्स्ट पीस इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सेकंड पीस भी बनाऊँ, दैट मीन सेकंड पेंडेंट. सो हियर द प्रोसेस वुड बी एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट दैट मैं यहाँ पे पेंडेंट का शेप डिफरेंट रख रही हूँ. सो इफ यू आर वंडरिंग, यहाँ पे मैं फॉक्स का फेस बना रही हूँ. आई हैव नो आइडिया मैंने क्यों चूज किया, बट लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. By the way, I'm actually planning कि मैं इस फॉक्स फेस का नाम रखूँ पीकू. I don't know why, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट अभी से लग रहा है. So I'm sure पीकू नाम सही रहेगा. Hey पीकू, लास्ट कोट लगा रही हूँ वार्निश का and then you are done. टाइम आ चुका है अपनी सेकंड क्रिएशन का. यहाँ पे भी मैं सेम क्ले को यूज करने वाली हूँ. फटाफट से दोनों कंपोनेंट्स को फिर से एक बार फिर मिक्स करूंगी और अब मैं इस क्ले को अच्छे से रोली पोली करूंगी. आई जस्ट हैव टू रोल एंड रोल एंड रोल एंड देन आई एम डन. एंड ये मैं बनाने जा रही हूँ रिंग होल्डर. यू विल बी शॉक्ड, यहाँ पे मैं स्नेक का शेप यूज कर रही हूँ. बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक स्कैरी स्नेक नहीं बनाने वाली हूँ. खुद सोच ले यार, रेड व्हाइट एंड येलो का यूज कर रही हूँ, कितना क्यूट कलर होगा, तो स्नेक डेंजरस कैसे लग सकता है. तो यस, आई एम गोना पेंट दिस स्नेक इन पिंक कलर एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मुझे जेन्युइनली कुछ डेंजरस सा नहीं बनाना था एंड दैट इज व्हाई आई थॉट क्यों ना मैं इसको पेंट कलर कर दूं. एनीवे, सो मैं इसमें स्नेक का कोई पैटर्न भी नहीं यूज करी, मैं इसमें रैंडम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रही हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट आई लव. एनीवे, मैं यहाँ पे व्हाइट एंड पिंक कलर का यूज करके इस पैटर्न को कम्प्लीट करूंगी एंड दिस स्नेक इज लुकिंग ब्यूटिफुल. आई मीन इसका नाम मैं रख देती हूँ मिस रोजी. अब
टाइम आ चुका है अपनी थर्ड क्रिएशन का एंड यहाँ पे ना मतलब मेरे पास इतना धमाकेदार आइडिया है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे पास एक स्टोन पड़ा हुआ था, सो आई थॉट क्यों ना मैं इस पे कुछ क्ले से करूँ। एंड जब हम बोर होते हैं ना तो मेरे पास आइडियाज और भी ज्यादा आते हैं, अग्री करते हो कि नहीं, है ना? बाय द वे मैं मशरूम्स बना रही हूँ स्टोन के ऊपर एंड ये बन रहा है एक पेपर वेट। एंड इफ यू गाइस आर वंडरिंग यार पेपर वेट तो ये सिर्फ स्टोन रख के ही हो सकता था ना, तो यार वो एक बेसिक सा पेपर वेट होता ना, मुझे कुछ चाहिए था फैंसी प्रिटी सा जिसको देख देख के मुझे भी खुशी मिले। सो दैट इज व्हाई आई थॉट क्यों ना मैं कुछ क्रेजी करूँ। बाय द वे मैं यहाँ पे भी सिर्फ पेस्टल कलर्स का यूज करी हूँ बिकॉज I really want to make it cute and cute चीज़ें तो सबको ही पसंद आती है ना यार। cute चीज़ें तो छोड़ो यार, I feel like eating it. It's looking so cute. I don't think so मैं इसको पेपर वेट की तरह यूज कर पाऊंगी, मे बी आई एम गोना यूज इट एज अ शो पीस। मूविंग ऑन, अब टाइम आ चुका है अपने फोर्थ पीस को बनाने का एंड लेट मी टेल यू अभी तक हमने जितने भी पीसेस बनाए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं हो सकता, सारे यूजेबल है। सो दैट इज वाई आई थॉट क्यों ना मैं एक और फोर्थ पीस भी यूजेबल बनाऊँ। सो राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ ब्रश स्टैंड बिकॉज मैं यूजली जब भी पेंट करती हूँ मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है ब्रश को रखने में। सो आई थॉट ऑफ Let's just do it, Shubhangi. So, अगर आपको लग रहा है भैया ये बना क्या रहे हो, so let me tell you, ये मैं बना रही हूँ watermelon के shape का, shape नहीं sorry, color का. But यार मैं उसमें भी भड़कीला लाल रंग नहीं डालूंगी, मैं उसमें भी pink color डालूंगी because आज की video बहुत ही ज़्यादा cute है ना, इसीलिए. So yes, I'm gonna quickly complete this and मैं इसके ऊपर एक वार्निश का कोट वापस लगाऊंगी बिकॉज यार खराब नहीं होना चाहिए ना, इतनी मेहनत हो रही है, राइट? ओके गाइज, सो दिस इज वॉट द फाइनल पीस लुक्स लाइक एंड सच में आई एम लविंग इट। हश, यस, फाइनली टाइम आ चुका है अपने फिफ्थ एंड फाइनल पीस का विच इज गोइंग टू बी अ कोस्टर। So the process is going to be exactly the same, it's just that मैं paint कुछ और करने वाली हूँ, कुछ different करने वाली हूँ जो कि होगा काफी ज्यादा अभी कैसे बता दूँ यार, बना लेते हैं पहले। Here also I'm gonna use very cute colors, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चड़क धड़क colors का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ because I want the final product to look really cute. And मैं try करूँगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा details add करने का because I love details. And मैंने अभी तक ये video में बात नहीं बोली थी and मुझे ऐसा feel हो रहा था oh my god, I am missing something. And finally I got to know, मैंने details के बारे में बात नहीं करी थी and this is what I was missing. हाश, बहुत ज़्यादा हो गया। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इन पांचों में से आपका फेवरेट कौन सा था एंड या आई वुड लव टू नो। अब मैं इसमें वार्निश का एक कोट ऐड करके इसे कंप्लीट करूँगी एंड टारा, दिस इज रेडी टू यूज़। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी आज की वीडियो एंड या टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड आई लव यू गाइज।